जनपद बहराइच से बड़ी खबर। बहराइच का आरटीओ विभाग बना दलालों का बाजार। डीएम के आदेश पर बड़ा छापा, दुम दबाकर भागे दलाल। 3 नामजद 40 अज्ञात पर FIR दर्ज। सामने बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की दर्जनों दुकानों में दलालों का गिरोह ने बना रखा था पूरा ठिकाना। सूत्रों की माने तो DL ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया दलालों द्वारा 5,000 से 7,000 रुपये में की जा रही है। RTO विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। ऑनलाइन DL की प्रक्रिया घर बैठकर की जाती है, फिर भी फाइल पास करवाई 1,000 रुपये वसूले जाते हैं। जिले की में नए जिला अधिकारी के आते ही सभी विभाग में अधिकारियों सतर्क दिखाई दे रहे हैं। खास रिपोर्ट भारत न्यूज़ चैनल चीफ एडिटर अब्दुल नासिर की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। यहाँ बाहर कॉम्प्लेक्स में कई ऐसे विकट मतलब 3 लोग ऐसे हिरासत में लिए गए हैं जो संदिग्ध पाए गए, और इन जिन जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं उस रिकॉर्ड में कई लोगों के नाम हैं, नाम के साथ साथ पैसे कितने लिए गए हैं कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स बरामद किए गए हैं। तो इस पर हम लोग मुकदमा दर्ज करके आगे लिए। मैम, क्या जो RTO ऑफिस में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनके भी नाम सामने आए हैं? ये दलालों का रैकेट है या कोई इस तरह का? अब ये विवेचना का विषय है, कई रिकॉर्ड सामने है और उसके आगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, ये उन जन सूचना केंद्र पे रजिस्टर्स पाए गए हैं जिसमें कई लोगों के नाम हैं, नाम के साथ पैसे लिए गए हैं।